नमस्ते व्यूअर्स, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका सांझा रेसिपी पे। और मैं आज आपसे पहली बार ऑनलाइन फेस टू फेस मिलने आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, जो कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को, मेरे कुकिंग के वीडियोस को लाइक किया। और मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम लोग की जो फैमिली है, परिवार है हमारा, यानी कि सब्सक्राइबर, तो हम लोग 10,000 कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो मैं इसी के साथ एक चीज़ मेंशन करना चाह रही थी अपनी वीडियोस में कि हम आपको संडे एक मैं फ़ेस टू फेस आपसे मिलने आऊँगी, आपके घर आऊँगी, और इसमें हम लोग एक टिप एक दूसरे से शेयर करेंगे। अगर आपके पास भी कोई टिप या कोई सजेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं भी कुछ सीखूं और अगले जो पढ़ते हैं उसको उनको भी एक अच्छा आइडिया मिले और वो भी अपने लाइफ में यूज़ करें। तो और मैं इसके साथ में, हाँ, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं कमेंट के जो आप लोग कमेंट करते हैं इसके जवाब में मैं आपको दूंगी इसी वीडियोस में, संडे जो कि वीकली में डालूंगी, संडे में फिक्स नहीं कर रही हूँ डेज का। और तो चलिए अब हम ले लेते हैं कुछ कमेंट्स, और जो कि मैंने अभी रिसेंटली बादाम शेक डाला है, जो कि अच्छा, इसका बादाम शेक का मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि ये गर्मियों और सर्दियों में आप दोनों पी सकते हैं। पर हाँ, किस तरह से, क्योंकि बादाम गर्मियों में आप ठंडा करके और सर्दियों में इसको गर्म गर्म पीजिए, बादाम काफ़ी सेहतमंद होता है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तो मैं पहला कमेंट ले लेती हूँ प्रियंका जी का, जो कि बोल रहे हैं वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस। एंड शिवानी मेहता जी कह रही हैं नाइस दी, और शिवानी अनुरागी, एक शिवानी और हैं, शिवानी अनुरागी कह रही हैं नाइस माई क्यूट दी। मैं क्यूट हूँ क्या? चलिए, तो ये सब कमेंट, इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए। और मैं कहूँगी कि अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को कुछ आइडिया आते हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूँ और अपने वीडियोज़ में नया करूँ। हाँ, तो चलिए अब हम वीडियो के आखिरी में कर लेते हैं एक टिप की बात, जो कि पहली टिप मेरी ये होगी कि जब भी आप चाशनी बनाते हैं घर में, क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है, सावन है, तो आप स्वीट डिश बनाएंगे तो जब आप चाशनी बनाइए तो उसमें आधा कप दूध ज़रूर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो चाशनी में गंदगी होती है, जैसे कि रेसा वगैरह होते हैं, तो वो एक झाग, चाशनी में जब आप दूध डालेंगे तो झाग आएगा, उस झाग को आप एक चम्मच से बाहर निकाल दीजिए, उस झाग के साथ ही उस चाशनी की गंदगी भी बाहर निकल जाएगी जाती है और चाशनी हमारी बिल्कुल साफ और अच्छी बनती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट भी हो जाती है और ज़्यादा दिन तक अच्छे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आपकी लाइफ में भी कोई एक्सपीरियंस, सजेशन या टिप हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मैं और भी कमेंट पढ़ने वाले आपसे भी कुछ सीखें और आपका भी थैंक्स करें। तो खाना बनाते समय हमेशा अपना ध्यान रखिएगा।